विधायक नरेंद्र ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीजी महाविद्यालय हमीरपुर के मेधावी खिलाड़ियों को हाल ही में संपन्न टेबल टेनिस प्रतियोगिता में रनर अप स्थान पाने पर सम्मानित किया और बधाई दी। हीरानगर स्थित अपने कार्यालय पर मेधावी छात्रों से मुलाकात कर उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने मनीषा, जिसका चयन 400 मीटर नेशनल लेवल एथलेटिक मीट के लिए हुआ है, का खेल संवर्धन के लिए आगामी होने वाले खर्च को स्वयं वहन करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि खेलों में युवाओं की भागीदारी से एक स्वच्छ और हिष्टपुष्ट समाज की संरचना होती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी प्रतिभावान खिलाड़ियों की हर संभव सहायता के लिए वे सदैव तत्परता से आगे आएंगे। सबसे पहले तो मैं हमीरपुर डिग्री कॉलेज की हमारी ये बच्चियाँ जिन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में रनर्स अप स्थान प्राप्त किया, ये बहुत ही गौरव की बात है हमीरपुर डिग्री कॉलेज के लिए नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और मुझे लगता है कि पहली बार ये ट्रॉफी लेके आई है, इसके लिए सभी बच्चियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके साथ यहाँ पर एक बच्ची है मनीषा, जो 400 मीटर की रेस में लगभग जो अब नेशनल चैंपियनशिप जो होने जा रही है, बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड है और हमें पूरी संभावना है कि वो मेडल लेके वहाँ पे आएगी। तो मैं उस बच्ची को वहाँ जाने का जो एयर का जो भी खर्चा होगा वो मैं उसको स्पॉन्सर करूँगा, और साथ में मैं आशा भी करूँगा कि ये बच्ची जो है हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन करेगी और मेडल जीत के भी आएगी। थैंक यू। इस मौके पर एनएसयूआई की हमीरपुर इकाई के छात्रों ने भाजपा का दामन भी थामा है। युवा कार्यकर्ता अभिषेक मिश्रा की अगुवाई में इन छात्रों ने नरेंद्र ठाकुर से मुलाकात कर भाजपा के साथ निष्ठावान रहने का प्रण भी लिया।